मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कल्पना करें एक ऐसी कंपनी का जिसके चेयरमैन हो बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रैंसन, जेफ बेसोस, मार्क जकरबर्ग, जैक मा और हमारे ही भारत के रतन टाटा, मुकेश अंबानी जैसे लोग इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों। यह कितनी सुनहरी कल्पना लग रही है कि नहीं? लेकिन आप लोगों को यह बता दें कि यह कल्पना मात्र नहीं है, यह हकीकत में बदल चुकी है 2015 में। इन सभी ने मिलकर ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स का निर्माण किया। अब ये ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स आखिर है क्या, यह जानने के लिए देखें हमारा पूरा वीडियो अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न बाबा के एक बिल्कुल ही नए इंस्पिरेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स का अनाउंसमेंट 2015 के यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पेरिस में हुआ। इसका उद्देश्य है ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना जो ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस को कम करने में मदद करे। ये सारे पावरफुल एंटरप्रेन्योर्स जिनकी नेटवर्थ 510 बिलियन डॉलर यानी कि 35,70,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है, ये सभी मिलकर अपने नॉलेज और नेटवर्क का यूज़ करके इस सस्टेनेबल गोल को अचीव करना चाहते हैं। गेट्स फाउंडेशन के बाद बिल गेट्स का यह सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। बिल गेट्स का मानना है कि हमारे फ्यूचर को पावर करने के लिए सस्टेनेबल एनर्जी मॉडल की बहुत ही ज़रूरत है, जो सस्ती, रिलायबल, क्लीन एनर्जी प्रोवाइड कर सके और ग्रीन हाउस गैसों को एलिमिनेट कर सके। ऐसा करने के लिए एक नए मॉडल की ज़रूरत है जो लैब से मार्केट तक लाने के लिए जल्दी ही टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कर सके। इसलिए मैंने और ये असाधारण लोगों ने जो सस्टेनेबल एनर्जी के लिए चिंतित है, ने मिलकर यह ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स लॉन्च किया। हम सभी मिलकर $1 बिलियन यानी कि 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं साफ, सस्ती और विश्वसनीय एनर्जी सोर्स जनरेशन पे। दोस्तों, इस ज़बरदस्त गर्मी को तो आप भी महसूस कर पा रहे होंगे और आप में से मैक्सिमम लोगों को यह पता होगा कि ये जो गर्मी है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कंट्रीब्यूशन सिर्फ व्हीकल के प्रदूषण या इंडस्ट्रीज के प्रदूषण से ही नहीं होता, हर एक व्यक्ति, यहाँ तक कि जानवर और एग्रीकल्चर भी ग्लोबल वार्मिंग में उनका बराबर योगदान होता है। तो यह वेंचर मुख्य रूप से 5 एरियाज में फोकस करना चाहते हैं: क्लीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज से कार्बन एमिशन कम हो, ऐसे बिल्डिंग्स बनाना जिससे एमिशन कम हो, जैसे कि ऑफिसेज, होम्स, बिल्डिंग्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ऐसे बिल्डिंग बनाना जिससे एमिशन कम हो, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करना जो लीस्ट एमिशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बिना चल सके, फूड यानी सस्टेनेबल फूड ऑप्शन प्रोवाइड करना। दोस्तों, अब हम बिल गेट्स से क्या सीख सकते हैं? अगर हम दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं तो हम सबसे ब्राइटेस्ट माइंड्स को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब अगर आप भी दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए मदद करते हैं तो जल्द ही आपका भी ऐसा वेंचर होगा जिसमें बड़े बड़े बिलियनर्स आपके साथ आके जुड़ेंगे। भारत में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए और ऐसे आप जैसे कुछ लोग जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, जो खुद बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम एक नई मोटिवेशनल एंटरप्रेन्योर सीरीज़ लाना चाहते हैं। अगर आप ऐसे ही कंटेंट लगातार पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ। आप आगे और किस टॉपिक्स में वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। ऐसे हाई क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए हम जिस इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स पाने के लिए आप हमारे एक और चैनल द फोटोहोलिक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।